थाना मोड़ा पांडे क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार लोगों ने दो लोगों को गोली मार दी, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गुबरू और मुखिया दोनों दोस्त हैं। गुबरू का आरोप है कि अब्दुल रहमान से उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और उनके 29 लाख रुपए हैं, जिस पर आज बात करने के लिए उन्हें थाना पागपाड़ा क्षेत्र बुलाया गया था, लेकिन बात न बनने के बाद दोनों वापस मोड़ा पांडे क्षेत्र को लौटने लगे। लौटते समय थाना कुंदर के क्षेत्र के नूरपुर के पास टोल टैक्स के आगे दो बाइक सवार लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे बाइक चला रहे मुखिया और गबरू को पैर में गोली लग गई। क्या नाम उसका? उसका अब्दुल रहमान नाम है, तो मगर वो नहीं मिल पाया, उसका बेटा मिला। उसके बेटे से बातचीत हुई मेरी, जब बेटे से बातचीत हुई उसके, तो साफ ही साफ लफ्जों में ये कहा उनने, बेटे ने बोले तुम जानो और तुम मेरा बाप जाने, इससे कोई मतलब नहीं है। जब मैं उधर से पहुँचा, जब लेकर के आया वहाँ से दुआ सलाम करने के बावजूद, तो चार जने दो बाइकों पे हमारे पीछे बाइक कहाँ से लगे थे आपने? बाइक लग, ये नहीं पता कहाँ से लगे थे, मगर पागबड़े से जब हम निकले तो बाइक लग गई थी हमारे पीछे। अच्छा, और नूरपुर का सामने ये टूल टैक्स तो है, इसके सामने इधर के हाथ को भी जंगल है और इधर के हाथ को भी जंगल है, वहाँ पे बीच में आके बोले। वहीं आनंद फानन में एम्बुलेंस की मदद से दोनों युवकों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय मुरादाबाद लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा दोनों युवकों का उपचार किया जा रहा है। मामले को लेकर घायल मुखिया का क्या कहना है, आप भी सुनिए। हमें पता ना कि हम रोड रोड जा रहे हैं, यार अंदर शहर में चेकिंग हो रहा हुआ, गाड़ी के कागज खो गए मेरी, तो बाहर बाहर आ रहे हैं हम, तो नूरपुर के सामने थोड़ी आगे बढ़ गए, वहाँ एक गाड़ी आगे हुई सेट सेट से, ये पीछे रह गई, गाड़ी पर उनके ढांटे लगे हुए। गाड़ी क्या थी, बाइक थी, चार पहिया बाइक थी? अच्छा, दो गाड़ी थी, मुझे पता ना कि उनने के देने हैं, जो फेर हुआ तो ही मैं घबरा गया एकदम। अच्छा, इसके जो फेर लगा इन्होंने मेरी कोरिया भरी गिल्ली मार गए, तो ही मेरे एक स्टांग में लगा और एक स्टांग में लगा, वो गाड़ी कौन चला रहा था? मैं गाड़ी चला रहा, ये मेरे पीछे थे, छले लगे क्या? हाँ, एक ये है, ये है, मेरे ख्याल से कमर में। कितने बजे की घटना हुई? वही घटना की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हाईवे पर पुराने टोल प्लाजा के पास गबरू सन ऑफ मल्लन और रियासत उर्फ मुखिया, जो कि मुंडा पांडे के रहने वाले हैं, इनको गोली लगी है। घटना की जांच की जा रही है एवं सत्यता के आधार पर हम आवश्यक विधि कार्रवाई करेंगे। क्या कारण था कि गबरू मल्लन का, क्या कारण? अभी तक प्रारंभिक जाँच में कुछ प्रॉपर्टी का विवाद इन लोगों का सामने आया है, इस दिशा में हम जाँच करके जो भी सच्चाई होगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।